एयर चेंज करने का पूरा सिस्टम ही आपका गलत है। तो मैं वो आज सिस्टम बताऊंगा, कुछ सिस्टम है जो आपको कब गियर लगाना चाहिए, कब डाउन करना चाहिए और किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैं इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो को देखने के बाद अगर दोस्तों अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियो सब देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं तो सबसे पहले आपका मोबाइल का घंटी बज जाए और सबसे पहले आप देखें। और एक बात दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर चीज़ में जब उसको हेल्प करते हो, साथ देते हो, तो इसको भी आप शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो अभी जो नया नया गाड़ी जितना भी लॉन्च हो रहा है, आ रहा है, जो अभी सब गाड़ी में देखिएगा, भारत बेंज हो गया, वाल्वो हो गया, स्कानिया हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, ये सब में अभी आई शिफ्ट जो ऑटोमोटिव वाला है, ऑटोमोटिक आई शिफ्ट ट्रांसमिशन वाला है, तो इसमें आपको गियर चेंज करने का टाइम लगता है ना गियर डाउन करने में। तो ये सब सिर्फ हम लोग को लगाने में कोई दिक्कत लगता है ना, क्या मतलब क्लच दबाने में ना गियर लगाने में ताकत लगता है, सिर्फ बटने दबाना है, सिर्फ माइनस प्लस, जब डाउन करना है तो माइनस करना है, प्लस बढ़ाना है तो प्लस करना है, सिर्फ दबाने से ही गाड़ी नहीं जाएगा दोस्तों। उसके लिए भी एक टाइमिंग होता है, एक सिस्टम होता है, जो जगह होता है, सही जगह पे अगर उसको सही तरह यूज कीजिएगा तो गाड़ी आपका सही चलेगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा गाड़ी में। तो दोस्तों ड्राइवर हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग को गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर हम लोग ड्राइवर हैं तो गाड़ी का भी इज्जत करना है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर में ही हम लोग बैठे हैं, गाड़ी सुरक्षित रहेगा तो ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग सही जगह सही टाइम में गाड़ी को गियर लगाइए, गियर चेंज कीजिए, गियर डाउन कीजिए, गियर बढ़ाइए, ताकि कोई भी पार्ट्स आपका नुकसान ना हो, गियर बॉक्स हो। मैं कुछ इस तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको समझने में काफ़ी जल्दी से आप समझ जाएंगे। ऐसा दोस्तों आपको कभी कोई इस तरह से आपको कोई समझाएगा नहीं, कोई बताएगा भी नहीं। तो दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आप नहीं समझेंगे बोल के ऐसे कोई सवाल है नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, आप जरूर समझ जाएंगे। और बहुत अच्छी कुछ मैं चित्र बनाया हूँ जो आप लोगों को समझाने के लिए, तो आपको समझने में आसान होगा। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपका गाड़ी है, लोड गाड़ी हो चाहे खाली गाड़ी हो, ज़्यादातर लोड गाड़ी, तो लोड गाड़ी आपका है। और आगे आपका यहाँ पर नरम मिट्टी है, जो मतलब आपका मतलब मिट्टी गीला गीला है, जो मतलब आपका यहाँ पर आपको दबने का ज़्यादा चांस रहता है। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, जो मतलब आप इधर से आ रहे हैं और आगे ना देख के ही, मतलब देखे हो लेकिन फिर भी आप यहाँ पर गियर चेंज कर देते हो। अगर आप चार नंबर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप पाँच नंबर लगा देते हो। तो दोस्तों आपका जैसे ही आप गियर बढ़ती गियर आप लगाएंगे तो आपका RPM तो ऑटोमेटिक डाउन हो गई। तो दोस्तों आप बताइए, इस जगह आप गियर चेंज करेंगे तो क्या ये आपका जो नरम मिट्टी है, जो दलदल टाइप है, क्या इसको पार कर पाएगा? पार नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग इसको पार कर लीजिए, उसके बाद में देख के, जगह देख के गियर चेंज कर दीजिए, ताकि उसको कोई मतलब लोड ना पड़े इंजन को। तो और एक दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा और भी दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोगों का, देखने से पता चल रहा है कि ये रैंप है। जी हाँ दोस्तों, ये रैंप ही है। मैं कुछ आप लोगों को इस तरह से समझा रहा हूँ ताकि समझने में आपको काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी आसान होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप रैंप चढ़ रहे हैं, इधर से चढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका देखिए फर्स्ट एक्सल सेकेंड एक्सल आपका जैसे ही लेवल में पहुँच गए, तो आप क्या करते हैं कि गियर चेंज कर देते हैं, गियर बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका लोड तो इधर है, इधर में तो लोड नहीं है, तो लोड आपका इधर है, तो आप इसको लेवल में आने के बाद में चेंज करने से सही होगा कि अभी चेंज करने से सही होगा? देखिए आप अगर यहाँ पर आपका फर्स्ट एक्सल सेकंड एक्सल आपका लेवल में आ गया और आप गियर चेंज कर दिए, तो क्या यहाँ पर टर्न पाएगा?
बताइए, जब आपका लोड गाड़ी है तो टर्न पाएगा, नहीं टर्न पाएगा ना, तो ये आपका गलत हो गया। इस जगह आपको गियर चेंज नहीं करना है, आप आगे जाइए, उसके बाद में लेवल में लेके आप गियर चेंज कर दीजिए। देखिए आपका गाड़ी कितना आराम से जाएगा और इंजन पर लोड भी नहीं पड़ेगा। तो आप अगर इस जगह चेंज करेंगे तो आपका इंजन में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो आपका इंजन का लाइफ आप लोग देख लिए हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आ गया होगा।